Welcome to Bishop Academy online classes. In the chapter account equation, we are solving the accounting equation problems. Today, I am going to solve problems in which you have to prepare accounting equation and after then balance it. Dear student, a question is here. Following transactions are related to Ravi Raja use accounting equation to show their effect on assets, liability and capital. Also prepare final balance sheet. आपको accounting equation तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद आपको balance sheet भी बनाना है. First transaction है, रवि राजा started a business with cash 1,50,000, यानी कि cash 1,50,000 से business start कर रहा है, तो cash भी affected होगा और capital भी. तो कैश में 1,50,000 ऐड करेंगे और कैपिटल में भी 1,50,000 ऐड करेंगे. सेकंड है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 60,000, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज करेगा, तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज करेगा तो एसेट भी इंक्रीज करेगा, यानी कि एसेट में एक न्यू कॉलम बनाएंगे बैंक का. ठीक है, तो बैंक में 60,000 आपका इंक्रीज करेगा और कैश में से 60,000 डिक्रीज होगा, तो कैश और बैंक दो इफेक्टेड होंगे. परचेज मशीनरी फ्रॉम महक 5,000 में महक से परचेज किया जा रहा है. यहाँ पे कैश का नाम नहीं लिया गया है, तो महक एक क्रेडिटर्स हो जाएगा, तो आपकी क्रेडिटर्स में एक लाइबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर्स का कॉलम बनेगा जिसमें आप 50,000 उसमें डालेंगे और आप एसेट में भी एक कॉलम बनाएंगे मशीनरी का और उसमें 50,000 डालेंगे. ठीक है, इस तरह से आपका बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश पेड बाई चेक 15,000. फर्नीचर की परचेज किया जा रहा है और 15,000 चेक से पेड किया जा रहा है. ठीक है, तो बैंक में से रिड्यूस होगा, क्योंकि चेक से जब पेड करते हैं तो बैंक में से रिड्यूस हो रहा है. अभी तक हमने जो ट्रांजेक्शन किया था उसमें चेक का नाम मैंने नहीं लिया था, इसलिए ये थोड़ा सा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम है. इसमें मैंने बैंक को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है. पेड सैलरी 2,500, तो 2,500 सैलरी पेड करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा. परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, तो 50,000 में कैश परचेज किया जा रहा है तो कैश रिड्यूस होगा और स्टॉक का एक कॉलम बनेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में. विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 5,000, तो 5,000 आपके बैंक वाले कॉलम में से रिड्यूस होगा और आपका कैपिटल में से भी रिड्यूस होगा. आउटस्टैंडिंग रेंट 2,500 आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, तो लाइबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे और कैपिटल में से फिर क्या करेंगे, उसको 2,500 लेस करेंगे. क्लियर, तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन इसका प्रिपेयर किया जा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, रवि राजा स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे कैश का मैंने कॉलम बना लिया है. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रवि राजा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,50,000, तो आप कैश में भी 1,50,000 डालेंगे और कैपिटल में भी 1,50,000 डालेंगे. क्लियर, अब इस ट्रांजेक्शन को आप क्या करेंगे, आफ्टर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसको क्लोज कर देंगे, तो कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 है. ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन पर आप क्या करेंगे, इसको इक्वल करते जाएंगे. तो देखिए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 1,50,000, लाइबिलिटी जीरो है अभी. सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि डिपॉजिटेड इन टू बैंक 60,000 बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो एसेट में एक बैंक का कॉलम बनाएंगे, आप बैंक का एक कॉलम बनाएंगे और इसमें 60,000 ऐड करेंगे और 60,000 जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे कैश, तो आपका कैश में से क्या होगा, 60,000 रिड्यूस होगा. ठीक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 60,000. ठीक है, अब इसको क्लोज कर देंगे, 1,50,000, 60,000 बैंक का बैलेंस है,
और 90,000 कैश का बैलेंस है। देखिए 90 और 60 1,50,000 और 1,50,000 एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन कर रहे परचेज मशीनरी फ्रॉम महक 50,000 की मशीनरी महक से परचेज किया जा रहा है। तो ये महक का जब नाम आ गया और कैश का उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो ये महक क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो लाइबिलिटी में आप महक के लिए एक क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे ऐसे और यहां पे डालेंगे आप क्रेडिटर्स। ये महक है, ठीक है। तो परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम महक रुपीस 50,000। तो कैश तो इसमें एक्सपेंस नहीं हो रहा है तो कैश में से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा। एसेट में एक मशीनरी का कॉलम बनाएंगे आप, इसमें एक मशीनरी का कॉलम बनाएंगे, ठीक। और मशीनरी पे आप 50,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। और क्रेडिटर्स में भी आप क्या करेंगे, 50,000 ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज किया जा रहा है, उधार परचेज किया जा रहा है। और इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। 1,50,000 कैपिटल, 50,000 क्रेडिटर्स, 50,000 मशीनरी, 60,000 बैंक बैलेंस और 90,000 कैश। अब यहाँ पे देख लीजिए 9,615,552,00,000 और 1,50,000 और 50,000 2,00,000, यानी कि 2,00,000 का क्या हो गया, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ कर रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश पेड बाई चेक 15,000। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश पेड बाई चेक रुपीज 15,000। 15,000 का जब चेक दिया जा रहा है तो बैंक में से रिड्यूस होगा, कैश में से नहीं, बैंक में से आप 15,000 क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और फर्नीचर का एक एसेट में कॉलम बनाएंगे, क्योंकि एसेट आप कोई परचेज कर रहे हैं तो एक फर्नीचर का कॉलम बनेगा, फर्नीचर का एक कॉलम बनेगा और इसमें आप क्या करेंगे, 15,000 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। 1,50,000 कैपिटल का बैलेंस, 50,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस महक का है, 15,000 फर्नीचर का बैलेंस है, 50,000 आपका मशीनरी का बैलेंस है और बैंक में से 15,000 रिड्यूस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45,000 और 90,000 कैश का बैलेंस। ये आफ्टर फोर ट्रांजेक्शंस ये बैलेंसेज है, आप इसको फिर चेक कर लीजिए। 90 और 50 1,40,000 और 45 और 15 60,000। तो 1,40,000 और 60 2,00,000 और 1,50,000 और 50,000 2,00,000 एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फिफ्थ ट्रांजेक्शन कर रहा है पेड सैलरी 2,500। पेड सैलरी रुपीस 2,500। तो जब सैलरी पेड करेंगे तो आप कैश में से भी रिड्यूस करेंगे 2,500 और कैपिटल में से भी 2,500 क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेज है। जब भी कोई एक्सपेंसेज करेंगे तो आप कैश और कैपिटल दोनों में से रिड्यूस करेंगे। इसमें 2,000 लेस होगा तो 147,500 हो जाएगा। ये 50,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस, 15,000 फर्नीचर का बैलेंस, 50,000 मशीनरी का बैलेंस, 45,000 बैंक का बैलेंस और 87,500 कैश का बैलेंस हो गया। आपको ऐड करेंगे तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आएगा। सिक्स ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। परचेज
goods for cash rupees 50,000 cash purchase किया जा रहा है goods. तो जब goods purchase करेंगे तो आप इसमें stock का एक column बनाएंगे, ठीक है. जब stock का एक column बनाएंगे इसमें, तो stock में आप क्या करेंगे, 50,000 stock add कर देंगे, ठीक है. और कैश में से आप 50,000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे. बस आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्योंकि कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश रिड्यूस होगा और स्टॉक बढ़ेगा, इसलिए एसेट में स्टॉक का कॉलम बना देंगे. अब इसको बैलेंस करेंगे तो आएगा ये 37,500 और ये हो जाएगा 45,000 बैंक का बैलेंस हो जाएगा, 50,000 मशीनरी का बैलेंस हो जाएगा और 15,000 फर्नीचर का बैलेंस, 50,000 स्टॉक का बैलेंस हो जाएगा, 50,000 क्रेडिटर्स महक का हो जाएगा बैलेंस और 147,500 कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, सेवेंथ ट्रांजेक्शन पे. सेवेंथ ट्रांजेक्शन कह रहा है कि विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 5,000. 5,000 बैंक में से कैश निकाला जा रहा है प्राइवेट यूज के लिए. तो ये क्या होता है, आपका बैंक भी रिड्यूस होगा और कैपिटल भी रिड्यूस होगा. विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 5,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बैंक के अमाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा. 5,000 इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे और कैपिटल में से भी 5,000 क्या करेंगे आप, लेस कर देंगे. अब यहां पे हो जाएगा 142,500 हो जाएगा, 50,000 क्रेडिटर्स हो जाएगा, 50,000 स्टॉक का बैलेंस हो जाएगा, 15,000 फर्नीचर का बैलेंस, 50,000 आपका मशीनरी का बैलेंस, 40,000 कैश का बैंक का बैलेंस हो जाएगा और 37,500 कैश का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. अब लास्ट ट्रांजेक्शन है, आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 2,500. आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 2,500. जब आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी क्रिएट होगी, इसलिए लायबिलिटी के कॉलम में एक आउटस्टैंडिंग ओ आप लिख यस आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाएंगे लायबिलिटी में, ठीक है. और इसमें आप क्या शो करेंगे, 2,500 शो करेंगे इसमें, और कैपिटल में से भी 2,500 लेस करेंगे. जब भी कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो आप ऐसे ही करेंगे. अब ये क्या हो जाएगा, 140,000 हो जाएगा कैपिटल का बैलेंस, 2,500 आउटस्टैंडिंग रेंट का बैलेंस हो गया, 50,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस हो गया, 50,000 स्टॉक का बैलेंस हो गया और 15,000 आपका फर्नीचर का बैलेंस है, 50,000 आपका मशीनरी का बैलेंस है, 40,000 बैंक का बैलेंस हो गया और 37,500 कैश का बैलेंस हो गया. अब यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया, ये फाइनल इक्वेशन. ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन हो गया, ठीक. अब आप इसको ऐड करेंगे तब इसमें नीचे से तो इसको ऐड करेंगे आप 40, 50, 90, 1,05,000, 1,55,000, 1,55,000 7, 1,12,000, 1,12,000 और 30,000, 1,42,500 हो रहा है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, इसको आप बैलेंस शीट आप बना लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इक्वल करेंगे. तो नेक्स्ट आगे हम बैलेंस शीट बनाएंगे. आप इसका टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल.
हाँ देखिए, अब बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बना रहा हूं, यहां पे एसेट है और लाइबिलिटीज है, ठीक है। अब एसेट में देखिए, यहां पे एसेट में जितने कॉलम बने हैं इक्वल टू के, इधर जितने भी कॉलम बने हैं उसके सारे आइटम्स आप एसेट साइड में लिख लेंगे। देखिए शुरू से देखिए, यहां से कैश है तो आप कैश नोट कर लीजिए, बैंक है बैंक नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट आपका मशीनरी है, मशीनरी ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आपका फर्नीचर है, फर्नीचर लिख लीजिए। फर्नीचर के बाद क्या है, स्टॉक है। ये इतने एसेट कॉलम में है, मैंने लिख लिया। अब इसके नीचे से बैलेंसेज लिख लेंगे। कैश का बैलेंस 37,500, बैंक का बैलेंस 40,000 है, 40,000 लिख लिया। मशीनरी का बैलेंस 50,000 है, 50,000 लिख लिया। फर्नीचर का बैलेंस 15,000 है, 15,000 लिख लिया। और 50,000 स्टॉक का बैलेंस है, तो हमने क्या कर दिया, 50,000 स्टॉक का बैलेंस कर दिया, ठीक। अब आते हैं लायबिलिटी और कैपिटल की तरफ। तो लायबिलिटी में फर्स्ट है क्रेडिटर्स 50,000, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स का कॉलम है 50,000 है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,500 है, कैपिटल 1,40,000 है। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 50,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,500, कैपिटल, बस यही तीन चीजें हैं इक्वल टू के उस साइड में, कैपिटल है 1,40,000। ये टोटल आपका हो जाएगा 1,92,500। इधर भी आप टोटल करेंगे तो 50,000 1,40,000 15,000 1,55,000 और 30,000 1,85,000 और 7,000 1,92,500। देखिए यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्या है, इक्वल है, बैलेंस है। इसी को कहते हैं बैलेंस शीट। आप इससे बैलेंस शीट बना सकते हैं, ठीक है सर। इससे बैलेंस शीट बना सकते हैं, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस से। तो ये सॉल्यूशन हो गया, आप इसी बेसिस से जो आपके बुक में है वैसे सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गूगल क्लासरूम।